नमस्कार, मैं रोहित और आप देख रहे हैं संसद वाणी। खबर जनपद चंदौली से है, जहां एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देशानुसार जनपद पुलिस द्वारा मादक पदार्थों और अवैध शराब की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने को लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यूपी राज्य से बिहार प्रांत में शराब तस्करी की जाने की सूचना लगातार सूचनाएं संकलित की जा रही थी कि सैयद राजा थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह को सूचना मिली कि यूपी राज्य से बिहार प्रांत में शराब तस्करी कर बड़ी खेप ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी संतोष सिंह मैफोर समेत नौबतपुर पुलिस बूथ चेकिंग अभियान शुरू किया तो चंदौली की तरफ से आ रही होंडा सिटी कार को रुकने का इशारा करने पर गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर भागने का प्रयास किया गया, लेकिन पहले से चौकन्नी पुलिस ने धर दबोचा। होंडा सिटी कार की तलाशी लेने पर उसमें विभिन्न ब्रांड की कुल 261 लीटर शराब के साथ 36 लीटर बियर बरामद हुई। बरामद शराब और बियर की अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए आकी गई है। अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए जा रहे मादक पदार्थ और शराब तस्करी को रोकने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें चेकिंग के दौरान होंडा सिटी कार की चेकिंग की गई तो उसमें से एक अभियुक्त जिसका नाम सोनू कुमार है और जो निवासी कॉलोनी पाटलपुत्र पटना बिहार का रहने वाला है, जिसको गिरफ्तार किया गया है और इसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। शराब की मात्रा 261 लीटर और बियर 36 लीटर और इसकी मार्केट में जो कीमत है वो 5 लाख के करीब है।